हम चाहते हैं कि अंदर भी तालियों की गूंज हो जाए। अभी लग रहा है कि मुंबई में जाम है, है ना? Yes. आवाज दुबई तक गई है। नहीं, आवाज दुबई तक गई है। हमारा प्यार है जो हमेशा मैडम के यहाँ आती रहती है। कितने लोग मैडम को जानते हैं? अरे वाह! और आपको पता है ये मैडम कहाँ कहाँ घूमी है? आप उनसे ही सुनेंगे कि कितने देशों तक, कितने राष्ट्रों तक, कितने नेशन तक ये आज गई है, वहां पे प्रेजेंटेशन किया है। हम हमेशा एक एड देखते हैं, ग्रोथ इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द विजिबिलिटी। आपने देखा ये एड, एक एड आता है, ग्रोथ इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ विजिबिलिटी। आप समझ लो इसका मतलब क्या है। आपकी जो उन्नति होती है वो उन्नति आपके दृष्टिकोण से होती है। आप जो देखते हो उस हिसाब से आपकी उन्नति होती है। डॉक्टर लिन का एक विजन है, सबको पता है? कितने लोगों को पता है डॉक्टर लिन का विजन? हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, दिस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द विजिबिलिटी। एक विजन है डॉक्टर लिन का कि हर घर तक, हर परिवार तक, हम हर माँ तक, हर बच्चे तक, हर उस आदमी तक हेल्थ जाना चाहिए। और हेल्थ के बाद उनके पास क्या जाना चाहिए? वेल्थ भी जाना चाहिए। अगर हेल्थ और वेल्थ एक साथ में है तो आपको लगता है हैप्पीनेस मिलेगा? Yes. सबको लगता है हैप्पीनेस मिलेगा? Yes. उसके बाद आता है कितने लोग जवान रहना चाहते हैं। कितने लोग जवान रहना चाहते हैं? कितने इधर तो हाथ उठते ही रहे, सब लोग जवान रहना चाहते हैं। तरुण की तो रहना वक्त है, तरुण रह सर, लाइफ लॉन्ग रह सर, लाइफ लॉन्ग और ब्यूटीफुल किसको रहना है? सुंदर कैसे? अरे देखे तो नजर, दस नजर टर्न होनी चाहिए, चाहिए ना? अगर रास्ते पे उतरे तो दस नजर आपके ऊपर पड़नी चाहिए। अगर किसी कॉर्पोरेट में आप चले गए तो कॉर्पोरेट का सब लोग आपको कैसे देखना चाहिए? शाम से देखना चाहिए। ऐसी जिंदगी चाहते हो? डॉक्टर लिन ने ये प्लेटफॉर्म हमारे सब, हम सबके लिए बनाया है। हेल्थ भी दी है, वेल्थ भी दी है और हैप्पीनेस भी दिया है। लेकिन ये कैसे पाया जा सकता है? उन्होंने तो हमारे पास ग्रोथ भिजवा दिया है, उनकी तो विजिबिलिटी हो गई, उनका विजन है। लेकिन इट इज आवर डिसीजन, हमारा निर्णय रहेगा कि इस विजिबिलिटी से हमारा ग्रोथ कैसे हो। आप सब आपका ग्रोथ चाहते हो? Yes. एक साम्राज्य खड़ा करना चाहते हो? Yes. सच्ची? Yes. कामगार होके मरना चाहते हैं या कलाकार होके मरना चाहते हो? सुनाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, अभी भी सुनाई नहीं दे रहा है। एक स्पून में नहीं आएगा,
हाथ से मतलब जो गिरेगा तो एक से डेढ़ इंच, इन चारों चीजों को अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपके पास गैनों की भी बॉटल है तो उसी में अच्छे से शेक करो, नहीं तो किसी प्याले में करके चाल से डालना है। हम लोग को बालों में यहाँ नहीं लगाना है, हमारा जो जड़े है यहाँ पर है, ये मजबूत हो जाएंगे तो ये बाल भी चमकेंगे और मजबूत हो जाएंगे, ठीक है। तो इन चारों चीजों को डाल के फिंगर टिप से अच्छे से मसाज करना है, उंगलियों से नहीं फिंगर टिप से, ऐसे पंजा मार के फिंगर टिप से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अगर मौका मिलता है अगर कोई घर में करने वाला है तो इसको भी मसाज करना है, क्योंकि ये वेन्स हमारी जैप हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, उससे भी हमारे बाल गिरते हैं, ठीक है। तो ये वाला ट्रीटमेंट पूरा मेरे सीडी में भी किया हुआ है, जिसको लेना है ले सकते हो, इसमें बांस के साथ में ट्रीटमेंट है, ठीक है। इसको लगा के आप एक घंटा छोड़ देना है, एक घंटे के बाद शैम्पू, बहुत सारे लोग पूछते हैं शैम्पू फिर से लगाए, शैम्पू लगाने की जरूरत नहीं, उसमें पानी डालोगे रिंस करोगे तो शैम्पू ऑलरेडी है तो आपका जो ऑयल वगैरह उसको निकाल देंगे, अगर नहीं निकालता है तो थोड़ा सा शैम्पू लेके फिर से रिंस करके निकालना है। हफ्ते में दो या तीन बार ये ट्रीटमेंट करना है, रोज नहीं। आप लोग का पानी यहाँ का फिर भी ठीक है, हमारे यहाँ का पानी नमकीन है बहुत, मतलब नमक वाला पानी, तो वो जब हम नहाते हैं और गर्म पानी बहुत आता है, जब नहाते तो ऑलरेडी बाल गिरते हैं, लेकिन अपना ट्रीटमेंट करते हैं तो बाल गिरने के बंद हो जाते हैं, रुक जाते नए बाल आने के। और जिनको डैंड्रफ है, जो डैंड्रफ के हम क्या करते हैं, बहुत सारे हजार से शैम्पू लेते हैं, ठीक है। हमारा डैंड्रफ ट्रीटमेंट हमारा गैनोजी टूथपेस्ट, क्यों, क्योंकि इसमें मिंथॉल है, वो हमारी जड़ों में जो भी इन्फेक्शन वगैरह है उसको खत्म करता है, ठीक है। तो लोगों को अगर टूथपेस्ट उठा के बोलोगे तो बोलेंगे क्या टूथपेस्ट बालों में लगाए, इसमें छोटी सी चिट्ठी में डाल के टूथपेस्ट देना है, ओके, ये छोटी सी चिट्ठी में कर लेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। फिर जब उसको अच्छा हो जाएगा तो बोलो पता है तुम क्या लगाते थे, हमारा गैनोजी टूथपेस्ट, ठीक है, सब सच्चाई पता है, पहले बताते तो ये टूथपेस्ट क्या बालों में लगा, तो ये होता है। तो इस तरीके से आप ट्रीटमेंट कर सकते हो, और टूथपेस्ट इज वेरी गुड फॉर ब्लीडिंग गम, स्वेलिंग गम, माउथ अल्सर के लिए बहुत अच्छा है, बैक स्मेल जो आती इसके लिए बहुत अच्छा है, डैंड्रफ के लिए काम करना है तो जला कटा उसको लगाओ, कहीं हम किचन में काम करते करते जला का भी ऑयल आके गिरा तो वहां पर डायरेक्ट लगाओ, तो उससे आपको